Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मंसूबों की जल्द तकमील से मईशत मुस्तहकम होगी। वजीर आजम का कहना है कि मतलूबा अहदाफ के हुसूल के लिए बेहतरीन पॉलिसियां तश्कील दी जाएं। भारतीय जासूस के मामले पर कतन कोई डील नहीं हो रही है। दफ्तर खारजा का कहना है कि इस हवाले से तमाम फैसले पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होंगे। Over 8 million people in the Indian occupied Jammu and Kashmir remain cut off from the world. मौलाना फजल रहमान के प्लान बी पर अमल दरामद जारी। मुल्क भर में मुख्तलिफ शाहराहों पर JUIFA के कारकुनों का धरना। भारतीय पायलट अभिनंदन का मुजस्मा कराची में पाक फजाई के म्यूजियम की जीनत बन गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के नाम से गैलरी बनाई गई है, जिसमें अभिनंदन की वर्दी भी रखी गई है। वजीर आला सिंध का नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का फैसला। कहते हैं वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हदूद में मदाखलत कर रही है। प्रेजेंट रूल के अंदर हम फेडरेशन कैसे अमेंडमेंट कर सकती है, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अमरीकी सिफारत खाने की वजीर आजम इमरान खान के 10 अरब दरख्तों की सुनामी में शिरकत, एक अहम दरख्त लगाया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली, कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की सदारत में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में वजीर आजम को PSDP पर ब्रीफिंग दी गई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मंसूबों की जल्द तकमील से मईशत मुस्तहकम होगी। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत माली साल 2019-2020 के लिए 701 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को PSDP पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मंजूर शुदा मंसूबों में ताखीर दूर करने के लिए इकदाम किए गए हैं। 2 अरब रुपए से कम की लागत के मंसूबों
منصوبوں میں تیزی کے لیے متعلقہ سیکرٹریز کو اختیار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مطلوبہ اہداف کے حصول کے لیے بہترین پالیسیاں تشکیل دی جائیں اور ترقیاتی فنڈ کا استعمال یقینی بنانے کے لیے وزارت منصوبہ بندی ہر ماہ رپورٹ پیش کرے۔ کچھ بات کریں گے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں مقبوضہ کشمیر، بابری مسجد، افغان صورتحال اور کرتارپور راہداری کے ساتھ ٹک ٹاک گرل حریم شاہ کے دفتر خارجہ میں داخلے اور ویڈیو بنانے سے متعلق بریفنگ دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ میں مقبوضہ کشمیر، بابری مسجد، افغان صورتحال اور کرتارپور راہداری کے ساتھ ٹک ٹاک گرل حریم شاہ کے دفتر خارجہ میں داخلے اور ویڈیو بنانے سے متعلق بریفنگ دی۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 103 دن سے کرفیو نافذ ہے اور وادی میں بھارتی مظالم جاری ہیں۔ ڈاکٹر فیصل کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منانے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ کشمیریوں کو نماز جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت The humanitarian nightmare in Indian occupied Jammu and Kashmir is worsening with continued military lockdown and complete communications blackout for 103rd consecutive day. The lockdown was imposed on 4th of August, which is affecting life and property of millions of innocent Kashmiris. Over 8 million people in the Indian occupied Jammu and Kashmir remain cut off from the world. With continued concerns being raised about lack of medical supplies and other basic needs. People of Indian occupied Jammu and Kashmir are even not allowed to offer Friday prayers at major mosques. These inhuman and unilateral actions by India are continuing despite international condemnations. We also condemn the restrictions imposed by the Indian authorities on all congregations in Indian occupied Jammu and Kashmir. On Eid Milad Nabi sallallahu alaihi wasallam, all roads leading to the Hazrat Balch shrine in Srinagar and other holy shrines and mosques in Indian occupied Jammu and Kashmir were sealed by the Indian occupation forces to stop any processions on this auspicious occasion, which is traditionally observed by Kashmiris with great fervor. خبر شامل کر لیتے ہیں۔ جے یو آئی ایف اے کی صوبائی قیادتوں نے پلان بی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں آزادی مارچ دھرنے کے شرکا سے خطاب میں پشاور موڑ پر دو ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کرنے یا حکومت مخالف احتجاج کے نئے محاذ کا اعلان کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جمعیت علماء اسلام فے نے پلان بی کے تحت ملک بھر میں مختلف شاہراہوں پر دھرنا دینے اور بلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں آزادی مارچ دھرنے کے شرکا سے خطاب میں پشاور موڑ پر دو ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کرنے یا حکومت مخالف احتجاج کے نئے محاذ کا اعلان کیا ہے۔ جے یو آئی ایف اے کی صوبائی قیادتوں نے پلان بی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ بلوچستان میں کوئٹہ، چمن، شاہراہ اور سندھ میں جیکب آباد کے زیرو پوائنٹ پر انڈس ہائی ویز بند کر دی گئی ہیں۔ جے یو آئی ایف اے کے کارکنوں نے پنجاب میں ڈی جی خان کے مقام پر انڈس ہائی وے پر ٹریفک معطل کر دی ہے۔ جے یو آئی ایف اے کی قیادت نے پنجاب میں کوٹ سبزل کے مقام پر گھوٹکی سے پنجاب جانے والی نیشنل ہائی وے پر سکھر ملتان موٹر وے، کشمور سے پنجاب جانے والی شاہراہیں اور راولپنڈی میں اسلام آباد کے دونوں داخلی مقامات کو دھرنا دے کر مکمل طور پر بلاک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت مخالف تحریک کے پلان بی کے تحت جمعیت علماء اسلام فے نے خیبر پختونخوا میں پشاور لاہور موٹر وے، شاہراہ قراکرم، شاہراہ ریشم، لوئر دیر میں چکردہ چوک پر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلوچستان میں ایران، تافتان، شاہراہ کراچی، کوئٹہ، شاہراہ خزدار کے مقام پر اور پنجاب بلوچستان شاہراہ ڈیرہ غازی خان کے مقام پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کراچی میں بھی مختلف مقامات پر دھرنا دیا جا رہا ہے۔ 27 فروری کو پاک فضائے کے شاہینوں نے بھارتی فضائے کو ناکو چنے چبوائے اور نہ صرف ان کا MiG-21 طیارہ تباہ کیا بلکہ ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی زندہ پکڑ لیا۔ بھارت فوج کی عبرتناک شکست کی یاد دلانے کے لیے 27 فروری کا واقعہ کراچی میں پاک فضائے کے میوزیم کی زینت بنایا گیا۔ گیلری میں ابھینندن کے مجسمے کے ساتھ چائے کا کپ اور اس کی وردی بھی رکھی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کا مجسمہ کراچی میں پاک فضائے کے میوزیم کی زینت بن گیا۔ میوزیم میں آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کے نام سے گیلری بنائی گئی ہے جس میں ابھینندن کی وردی بھی رکھی گئی ہے۔ 14 فروری 2019 کو مودی سرکار کا الیکشن کے دنوں میں رچایا جانے والا پلوامہ کا ڈرامہ ہو یا 26 فروری بالاکوٹ سرجیکل اسٹرائک کی کہانی، بھارت کو ہر بار منہ کی کھانا پڑی ہے۔ رواں برس 27 فروری کو پاک فضائے کے شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کو ناکو چنے چبوائے اور نہ صرف ان کا MiG-21
21 तैयारा तबाह किया, बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन को भी जिंदा पकड़ लिया। भारत को उसकी इबरतनाक शिकस्त की याद दिलाने के लिए 27 फरवरी का वाकया कराची में पाक फजाई के म्यूजियम की जीनत बनाया गया है। गैलरी में अभिनंदन के मुजस्मे के साथ चाय का कप और उसकी वर्दी भी रखी गई है। पाक फजाई ने बहादुरी के साथ बावकार फोर्स होने का सबूत देते हुए कैदी के साथ न सिर्फ अच्छा सलूक किया, बल्कि 1 मार्च को उसकी बाहिफाजत वापसी भी यकीनी बनाई। पाकिस्तान के इस इकदाम को दुनिया भर में सराहा गया। 27 फरवरी को होने वाले वाकये में गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट अभिनंदन का मुजस्मा और उससे बरामद होने वाला सामान म्यूजियम में रख दिया गया है। म्यूजियम में रखे गए सामान में वो कप भी शामिल है जिसमें पाक फौज ने अभिनंदन को चाय पिलाई थी। कप के ऊपर भी बिल आवेजा है मुजस्मे और दीगर सामान को देखने के लिए स्कूलों के बच्चों की बड़ी तादाद भी पहुंच गई है। एयरफोर्स के म्यूजियम में पाकिस्तान के जांबाज पायलट एमएम आलम के जहाज समेत वो भारतीय जंगी जहाज भी मौजूद है जिसे पाकिस्तान के शाहीनों ने 1965 की जंग के दौरान पसरूर के मुकाम पर भारतीय पायलट समेत पाकिस्तानी हदूद में उतार लिया था। कराची में अमरीकी सिफारतखाना भी पाकिस्तान की शजरकारी की मुहिम में 10 अरब दरख्तों की सुनामी में शरीक हो रहा है। इस सिलसिले में सिफारतखाने में एक खसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सिफारत खाने ने भी वजीर आजम इमरान खान के 10 अरब दरख्तों की सुनामी में शिरकत करके एक अहम दरख्त लगाया। कराची में अमरीकी सिफारतखाना भी पाकिस्तान की शजरकारी की मुहिम में 10 अरब दरख्तों की सुनामी में शरीक हो रहा है। इस सिलसिले में सिफारतखाने में खसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में सिफारतखाने और वजारत माहौलियात के हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आजम के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम और अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स ने अमरीकी सिफारतखाने की इमारत के करीब सोहांजना का एक दरख्त लगाया। अमरीकी सफीर पॉल जॉन्स का कहना था कि सिफारतखाने ने कंपाउंड ही तामीर के वक्त 520 दरख्तों को बचाया था और 513 नए दरख्त लगाए थे। इसके अलावा कंपाउंड में 2800 झाड़ियां भी उगाई गई थीं। ख्याल रहे कि सोहांजना एक अहम तरीन जनूबी एशियाई दरख्त है, सेहत के लिए जिसके फवायद बेमिसाल हैं। उसे जादुई खसूसियात का दरख्त भी कहा जाता है। ये मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है, दीगर कई अमराज के लिए भी नहायत मुफीद है। याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी मुहिम की शानदार कामयाबी के बाद आइंदा 5 बरसों में 10 अरब दरख्त लगाने के प्रोग्राम का भी ऐलान कर दिया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नायब ऑर्डिनेंस की तरमीम जिसके तहत एक मुलजिम जिसने 50 मिलियन रुपए तक खुर्दबुर्द की है को जेल में सी क्लास की सहूलत दी जाएगी को चैलेंज करने का ऐलान किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने नायब ऑर्डिनेंस की तरमीम जिसके तहत एक मुलजिम जिसने 50 मिलियन रुपए तक खुर्दबुर्द की है को जेल में सी क्लास की सहूलत दी जाएगी को चैलेंज करने का ऐलान किया है। सईद मुराद अली शाह ने बारादरी में कराची वाटर बोर्ड को 20 सेक्शन और हाई प्रेशर जैक्टिंग मशीन हवाले करने की तकरीब के बाद बातचीत करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हदूद में मदाखलत कर रही है और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम के मुताबिक 50 मिलियन रुपए तक खुर्दबुर्द गबन करने वाले मुलजिम को जेल में सी क्लास की सहूलत दी जाएगी। एक ऑर्डिनेंस खास तौर पे जिसमें इन्होंने एक तरमीम की और कहा है कि जी नैब के अंदर जो 5 करोड़ से ऊपर जिनकी एलिगेशन होगी सजा नहीं उसको सी क्लास देंगे रिस्पेक्टिव। भाई ये तुम्हारे मैंडेट तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में मैंने आईन की बात की थी ना, प्रिजंस सूबाई महकमा है और प्रिजन रूल के अंदर हम फेडरेशन कैसे अमेंडमेंट कर सकती है, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर यह इल्ज़ाम है कि वो K4 अलाइनमेंट में तब्दीली कर रही है, मगर ये साबित हुआ है कि सूबाई हुकूमत ने अलाइनमेंट के हवाले से कुछ नहीं किया। ये मंसूबा ज़रूर मुकम्मल होगा जिसके लिए मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि S3 मंसूबा भी मुकम्मल होगा। आज से 7.5 साल पहले फेडरल गवर्नमेंट ने बंद करा दिया K4 का काम और कई 3000 किस्म की कमेटियाँ अलग बना दी उसके ऊपर। मैंने यही बताया ना कि काम ना खुद करते हैं ना किसी को करने देना चाहते हैं। मसाइल ये प्रॉब्लम्स हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर के फोर की हमारे ऊपर कई इल्ज़ाम लगे कि हमने अलाइनमेंट चेंज कर दी, ये फला कर दिया। अब क्लियर हो गया अलाइनमेंट कहाँ से आई थी, आपको नहीं पता है अगर तो आप पता करें। मैं भी किसी को इल्ज़ाम देना चाहता अभी कि जिसने वो अलाइनमेंट मंजूर की थी सही थी गलत थी उसने की थी। उस वक्त उन्होंने 9 अलाइनमेंट्स को देख के ये अलाइनमेंट मंजूर की थी, अब वो इल्ज़ाम हमारे ऊपर। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।
Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushamdeed. بھائی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں وہاں. آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے. جب تک انشاءاللہ ان کو آزادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. Do not live in a fool's paradise. بشرا خان، سارا، تنہ قادر، کوکب فاروقی، زلفکار، توبہ شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان.